भाजपा के स्टार प्रचारक लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। गृह मंत्री शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई जिलों के दौरे पर आ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा आज लोरमी के दौरे पर आए और हाईस्कूल मैदान में भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू के चुनाव प्रचार में शामिल हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ता समेत पदाधिकारियों में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भी बिलासपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी तोखन साहू सांसद के रूप में चुनकर आएंगे और नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर पीएम बनाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के जनसभा के संबोधित करने के बाद प्रत्याशी तोखन साहू ने केंद्र में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान उन्होंने बिलासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव पर भूपेश बघेल के लिए कलेक्शन करने का आरोप लगाते हुए 7 तारीख के बाद उन्हें बिलासपुर लोकसभा में दिखाई नहीं देने की बात कही है। पहले चरण का मतदान बस्तर में 19 अप्रैल को हो गया, वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में होगी। वहीं तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है जिसमें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा में होगा। 5 साल सत्ता में रहने के बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। कांग्रेस ने कोरबा और बस्तर की सीट अपने नाम की थी लेकिन भाजपा के हाथ में 9 सीट आ गई। आज उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया बड़ी उत्साह के साथ। लोरमी विधानसभा क्षेत्र के मुंगेली जिले के हमारे सभी मतदाता, हमारे भाई बहन पहुंचे थे। सब जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाए हैं। बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, धारा 370 समाप्त हुई है, ट्रिपल तलाक कानून आया है और सिटीजन एमेंड एक्ट बिल ला करके उनको भी सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा किया गया है। पूरे देश में उत्सव का वातावरण है। पूरे देश के लोग चाहते हैं फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बात 400 पार। भूपेश बघेल के लिए कलेक्शन करने वाले नेता लोकसभा प्रत्याशी के रूप में इसको लेकर किस तरीके, देखिए वो ये सबको पता है, जो कलेक्शन मास्टर है उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है, उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। बिलासा की नगरी से, न्यायधानी की नगरी से वो खाली हाथ वापस जाएंगे। 7 तारीख के बाद वो कहीं दिखेंगे नहीं। आप बनते हैं तो रेलवे सुविधा मुंगेली के लिए निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताएं हैं। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है और उस पर बहुत प्राथमिकता के साथ हम काम करेंगे। छुक छुक गाड़ी का लाभ हम सबको मिले। लोरमी से नीरज अग्रवाल की रिपोर्ट।